इंदौर शहर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि परदेशी पुरा क्षेत्र में भंडारे के चंदे को लेकर क्षेत्र के ही गुंडे चाकू की नोक पर एक परिवार को धमका रहे हैं और यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी शिकायत पुलिस थाने में की गई लेकिन बदमाशों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। फरियादी ने बताया कि सर्वहारा नगर में अलग अलग क्षेत्र से बदमाश आकर पैसों के लिए डरा धमका रहे हैं, जिससे उनकी जान को खतरा भी है। पीड़ित ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने बदमाश पकड़ने के बजाय उनको मारकर भगा दिया है, जिसके बाद पीड़ितों ने डीआईजी से शिकायत की। वहीं डीआईजी के निर्देश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जिनसे वसूली के लिए वो आ रहा है लड़का, और हमारे कल घर पे आया और अवैध वसूली के लिए पैसे मांगने लग गया, गाड़ियों पे लाठे मारी, चाकू वगैरह लेके आए तो तलवार, सब सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास में, मेरी बच्चियों पे भी हाथ उठाया, मेरी बच्ची की अभी डिलीवरी हुई है, अभी 1.25 महीने की बच्ची है, तो पूरे मोहल्ले को ऐसा परेशान कर रखा है। और एक रहता है खजराने में आता है परदेशीपुरा क्षेत्र में, एक रहता है एरोड्रम क्षेत्र में आता है परदेशीपुरा क्षेत्र में, और एक वहाँ का ही गुंडा है सूरज, जो अवैध दारू बेचता है, नाइट्रा वगैरह बेचता है और अल्फाजोन वगैरह की गोलियाँ खा खा के, नाइट्रा खा के उत्पाद मचा रखा है। हमारे पुलिस से कल रात से कार्रवाई का बोल रहा है, 100 नंबर डायल पर 100 बार फोन कर दिया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, अभी भी मोहल्ले में घूम रहे हैं। तो कार्रवाई तभी होगी शायद जब कोई मर जाएगा, किसी वरिष्ठ और ऐसा ही होता है, कोई अधिकारी कोई मिल नहीं रहा, सब सीएम साहब की वो वहाँ गएंगे, वो जरूरी है, उनको चुनाव के लिए इधर मरता है, इंसान तो मर जाए। कल रात में राजेश खानूड़े जी ने थाने पे आरोप के रिपोर्ट करी कि लल्ला सूरज मराठा और शाहरुख पठान एवं अन्य उसका एक साथीगण द्वारा रात में भंडारे में पैसे मांगने की बात पे से विवाद करा, और जो चाकू दिखाकर उससे पैसे मांगने की कोशिश करी गई कि मुझे इतने पैसे चाहिए, ऐसी रिपोर्ट करने के लिए वो आए थे, जिसपे से अपराध क्रमांक 668 कायम किया गया है धारा 327 के तहत। तो चारों आरोपियों के खिलाफ में FIR की गई है, जिनके आरोपियों की तलाश अभी जारी है, गिरफ्तारी होना शेष।